हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका दोस्तों आज की हमारी इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में दोस्तों बताने वाले दोस्तों कैसे दोस्तों हम टच वाइब्रेशन प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं अपने फ़ोन में। दोस्तों आपके फ़ोन में टच वाइब्रेशन प्रॉब्लम है, आप इसको कैसे फिक्स कर सकते हो, इस प्रॉब्लम को दोस्तों आप कैसे सॉल्व कर सकते हो अपने फ़ोन में, आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर देना लाइक। और दोस्तों आप देख सकते हो जब भी मैं अपने फ़ोन पे टैप कर रहा हूँ बटन वगैरह पे, दोस्तों मेरा फ़ोन वाइब्रेट हो रहा है। और दोस्तों अगर दोस्तों इस तरीके से आपका फ़ोन भी वाइब्रेट हो रहा है टच करने पे, तो आप इसको कैसे फिक्स कर सकते हो मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम फ़ोन की सेटिंग पर क्लिक करेंगे। फ़ोन की सेटिंग पर दोस्तों क्लिक करते दोस्तों यहाँ पर आपको इस तरीके का इंटरफेस होएगा। आपको दोस्तों यहाँ पर नीचे तरफ स्क्रॉल कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर आपको साउंड सेटिंग दिखेगी, आपको साउंड सेटिंग पर क्लिक कर लेना है। और फिर दोस्तों यहाँ पर आप रिंगटोन को सेट कर सकते हो, नोटिफिकेशन रिंगटोन को, अलार्म रिंगटोन को आप सेट कर सकते हो। दोस्तों आप अपने वॉल्यूम को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, इंक्रीज़ कर सकते हो, डिक्रीज़ कर सकते हो। दोस्तों वाइब्रेट फॉर कॉल सेटिंग है, डू नॉट डिस्टर्ब सेटिंग है। और दोस्तों यहाँ पर आपको एडवांस सेटिंग दिख रही होगी, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। आपको दोस्तों दोबारा से स्क्रॉल करना है। फिर दोस्तों जो आपके फ़ोन के अदर साउंड है और वाइब्रेशन सेटिंग है, जैसे कि दोस्तों डायल पैड टून है, स्क्रीन लॉक साउंड है, चार्जिंग साउंड है और टच साउंड है, आप इनको भी ऑन ऑफ कर सकते हो, यहाँ से यूज़ कर सकते हो। दोस्तों सेकंड लास्ट ऑप्शन आपको दिख रहा होगा टच वाइब्रेशन। दोस्तों अगर आपसे गलती से ऑन हो गया और आप इसको ये तो ऑन करके भूल गए हो अपने फ़ोन में, बस दोस्तों यहाँ पर आपको इसको ऑफ कर देना। दोस्तों आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो गई है, सॉल्व हो गई है, आप चेक कर सकते हो। दोस्तों आप अपने फ़ोन पर कहीं भी टैप कर सकते हो, दोस्तों आपका फ़ोन वाइब्रेट नहीं होएगा। दोस्तों आप इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, फिक्स कर सकते हो। दोस्तों आप इसको एक ईजी तरीके से भी कर सकते हो, वो कैसे कर सकते हो वो भी बता देता हूँ। आपको दोस्तों फ़ोन की सेटिंग पे क्लिक कर लेना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है साउंड सेटिंग। दोस्तों यहाँ पर आप इसको डायरेक्ट सर्च कर सकते हो टच वाइब्रेशन भी, आपको दोस्तों सेटिंग दिख जाएगी आपके फ़ोन में। जैसे दोस्तों मैंने टच वाइब्रेशन टच लिखा है, यहाँ पर आपको देख रहे टच वाइब्रेशन, आपको इस पर क्लिक करना है। दोस्तों डायरेक्ट आप इस प्रॉब्लम को यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपको टच वाइब्रेशन यूज़ करना है तो आप यहाँ से इसको ऑन करें, दोस्तों आप इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे दोस्तों आप अपने बटन वगैरह पे आप टैप करोगे और दोस्तों कीबोर्ड वगैरह पे, तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारा आपका फ़ोन वाइब्रेट होएगा इस तरीके से। दोस्तों आपको इसको ऑफ़ करने के लिए क्या करना है, या तो आप फ़ोन की सेटिंग में तो साउंड सेटिंग में जाके इसको ऑफ़ कर सकते हो, या दोस्तों आप इसको यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे डायरेक्ट सर्च करके आप ऑफ कर सकते हो, TUCH करके, और आप यहाँ से इसको डायरेक्ट ऑफ कर सकते हो। चलो दोस्तों मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो आपको अपने फ़ोन से रिलेटेड, आप कमेंट में पूछ सकते हो। बाय बाय दोस्तों।